Sanjish. Hey. Hey. तो कैसा लगा हमारा मजाक? बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हम लोग सोए नहीं थे बिल्कुल भी, बस ये ब्लॉग के लिए थोड़ा बहुत नाटक सोचा के कर ले। एंड इट्स 24th ऑफ नवंबर टुडे एंड राइट नाउ इट्स 12:57 इन द आफ्टरनून और हम लोग है गैंगटॉक में। हम लोग सुबह 8:30 बजे उठ गए थे, लेकिन फिर उठने के बाद आई गॉट अ फोन कॉल फ्रॉम माई ब्रदर विवेक, हु वॉज हैंडलिंग ऑल आर पेपर वर्क एंड स्टफ, जो कि चाहिए आपको यहाँ पे अगर आपको पूरा सिक्किम एक्सप्लोर करना है। गुरुदोंग मार्ग का हो गया, फिर जुलुक का हो गया, जुलुक फिर बाबा मंदिर, परमिट का जो झमेला है वो अपने को लेना नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने विवेक भैया को कॉन्टेक्ट किया। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू मीट समवन, मीट मिस्टर विवेक, ही इज द वन हु हेल्प मी विद ऑल द परमिट्स फॉर Gurudong Mar and all the other places. So I would like to welcome you all back to my channel. Hello everyone, welcome back to my channel. Rocky, it's day 2 of our Sikkim trip. I mean episode 2. Day 1 or day 2 ka alag se ek video hoga. Sirf ek hi video rahega aur ye hai day 3, lekin abhi ke liye episode ke liye sirf day 2. Isn't it amazing? ये तो बस अभी शुरुआत है, जैसे जैसे और नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे, जो नॉर्थ सिक्किम है वहाँ पे जब जाएंगे, वहाँ पे मैंने सुना है कि स्नोफॉल हो रहा है, तो जैसे ही वहाँ पे जाएंगे इससे और भी अच्छे अच्छे व्यूज आपको देखने को मिलेगा तब। एंड या मैन, वी आर ऑलरेडी गेटिंग वेरी लेट, वी वर सपोज टू चेक आउट एट 12, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 1:10 हो रहा है अभी टाइम। तो आज का जो हमारा प्लान है, आज का प्लान है हम लोग अभी है गैंगटॉक में। दिस व्हाट यू सी ओवर हियर, यहाँ पे गैंगटॉक है। हम लोग गैंगटॉक से हम लोग को मनांग होके फिर ये चुंगकॉय कुछ तो जगह है, फिर वहाँ पे होके हम लोग को लाचेन जाना पड़ेगा। ये जो देख रहे हो आप लोग लाचेन, सो फॉर नाउ आवर डेस्टिनेशन इज लाचेन, फिर उसके बाद लाचेन से अगले दिन हम लोग निकल जाएंगे गुरुदोंगमार के लिए। कल हम लोग होपफुली गुरुदोंगमार के लिए निकलने वाले हैं। अभी के लिए प्लान है गैंगटॉक टू मनांग होके हम लोग को लाचेन जाना होगा। अगर देखेंगे कि बीच में अपने को मन नहीं कर रहा और बाइक चलाने का, तो होपफुली हम लोग मनांग में भी रुक सकते हैं, या फिर सामने कोई भी जगह मिलेगा तो वहाँ पे रुक जाएंगे। दिस इज अ स्मॉल रूट विच वी हैव मेड, यही फॉलो करके अपने को सबसे पहले नॉर्थ सिक्किम कम्प्लीट करना होगा, फिर उसके बाद जाएंगे जितना भी ईस्ट का होगा और साउथ का, उसके बाद वो वाला घूम लेंगे। अरे बड़ा भी तो सर, राइड में सबसे ज़्यादा जो चीज़ हेक्टिक होता है वो है लगेज को अनलोड करना, फिर उसके बाद वापस से लोड करना। कल शाम को तो इजीली कर लिए थे अनलोड, लेकिन अभी ये फ्लोर चढ़ना उतरना वापस चढ़ना उतरना, दैट टू वेयरिंग ऑल दिस राइडिंग गियर्स, इट्स गेटिंग रियली वेरी टफ। पैनियर्स को फिलहाल मैंने लगा दिया है, दोनों ही पैनियर्स, बस टाइट करना बाकी है। टेल बैग है यहाँ पे, टेल बैग को इंस्टॉल करना है, टैंक बैग लग चुका है, और भाई का जो सैडल बैग्स है उसको भी इंस्टॉल करना है। और ये है हमारा टेंट, थैंक्स टू ऋषिराज द। अगर आप पैनियर्स यूज़ कर रहे हो या फिर सैडल बैग्स, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जितना भी आप सामान डालोगे सैडल बैग और पैनियर्स के अंदर, सामान इक्वल होना चाहिए, लाइक दोनों लेफ्ट साइड में भी इक्वल होना चाहिए, राइट साइड में भी इक्वल होना चाहिए। एक और छोटा सा टिप मैं आप सबको देना चाहूँगा, जब भी आप मोटरसाइकिल लेके कहीं भी 500 किलोमीटर या फिर 1000 किलोमीटर से ऊपर जब भी आप राइड करोगे, ऑलवेज रिमेंबर इन एवरी 400 to 450 किलोमीटर्स ऑलवेज क्लीन एंड लूब योर चेन। इफ़ नॉट क्लीनिंग, लाइक क्लीनिंग यू कैन डू आफ्टर 800 to 1000 किलोमीटर्स, बट देन अगर आप चाहते हो कि चेन सेट का जो लाइफ है वो ज़्यादा रहे, ज़्यादा चले, और तो ऑलवेज रिमेंबर इन एवरी 400 to 500 किलोमीटर्स क्लीन एंड लूब योर चेन। तो भाई अभी हम करने वाले हैं। ऑल राइट, रिकॉर्डिंग हो रहा है, चलो। सामने का पहिया ऊपर है, पीछे इतना ज़्यादा लगेज है यार, क्या बताए। लोकेशन डालते लाचेन का पहले,
यहाँ से 4 घंटा 20 मिनट दिखा रहे हैं और जो टोटल डिस्टेंस है वो है 108 किलोमीटर। बहुत ही ज़्यादा वेट बढ़ चुका है रॉकी का। चलो जी, जय राम। एंड ऑल्सो मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, मेरे को जल्दी ही कहीं पे रुक के खाना होगा। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि लाचेन लगता नहीं है कि पहुंच पाएंगे, क्योंकि लाचेन जाने के लिए हम लोग को 4-5 बजे के अंदर अंदर वो चेक पोस्ट क्लियर करना होता है। तो अभी तो ऑलरेडी 3:10 हो रहा है और 110 किलोमीटर कवर करने में दिखा रहा है कि 4 घंटा 22 मिनट लगेगा, जो कि ऑब्वियसली आज नहीं हो पाएगा। जो टेम्परेचर है, यहाँ का टेम्परेचर है अराउंड 15 to 16 degrees। और कल जब मैं सिक्किम पहुंचा था तब मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि गैंगटॉक में जो रूल्स होता है, रूल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आज सुबह भी जब मैं MG मार्केट गया था, जो कि हम लोग के होटल से 5 मिनट का रास्ता है, तो वहाँ पे जब हम गए थे तब हम लोग स्लीपर्स पहन के गए थे, बट वी बोथ वोर हेलमेट्स। यू कांट राइड वेयरिंग योर स्लीपर्स ओवर हियर। यहाँ पे ये स्लीपर्स को लेके, यहाँ पे ये शूज को लेके भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। यू विल ऑलवेज हैव टू वेयर शूज व्हेनेवर यू आर ऑन अ टू व्हीलर। अगर आप मास्क नहीं पहनते हो तो आपको 300 रुपये का जुर्माना लगेगा, फाइन लगेगा 300 रुपये का। और अगर आप मास्क पहन के आधा पहनते हो, लाइक अगर नाक कवर नहीं किया या फिर मुंह कवर नहीं किया, तो आपको 700 रुपये देना पड़ेगा। वो तो और भी ज्यादा खराब है। तो ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप गैंगटॉक में आते हो। आपको स्लीपर्स पहन के बाइक नहीं चलाना है और मास्क पहन के हमेशा रखना है अभी रिसेंट टाइम में। अदर देन दैट, पीपल ओवर हियर आर वेरी स्वीट। मैंने अभी तक जितने भी लोगों से इंटरेक्ट किया है, बहुत 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 ही ज्यादा हेल्पफुल है लोग यहाँ पे। ये चीज तो मैं बताना भूल ही गया कि जहाँ पे हम लोग रुके थे, होटल का नाम है होटल 4 सीजन्स। द रूम वॉज क्वाइट डिसेंट, 900 रुपये का रूम था। जितना भी मेरा खर्चा आएगा इस ट्रिप में, पूरे ट्रिप में, मैं उसका एक अलग से एस्टिमेट बताऊंगा और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप सिक्किम का ट्रिप करते हो तो आपको कितना पैसा लगेगा। अरे यार, ग्लव्स नहीं पहना है। ग्लव्स, हाउ कैन आई फॉरगेट ग्लव्स। तो अभी फिलहाल हाफ टैंक तो है। नेक्स्ट जो पेट्रोल पंप रहेगा वो है मनांग में। बीच में भी मिल सकता है, लेकिन हम लोग मनांग से घुसाएंगे क्योंकि मनांग के बाद अपने को और कोई पेट्रोल पंप मिलेगा नहीं। अब ग्लव्स पहन के सही लग रहा है। ये राइडिंग गियर्स पहन के चलाने का मजा ही कुछ और है। इज दिस द रोड टू मंगन? स्ट्रेट ना? ओके, थैंक यू। ओह, जस्ट लुक एट दैट मैन। यही तो मजा है सिक्किम का। रुको जरा, सबर करो। क्या व्यू है यार, मन तो कर रहा है बस यही पी रह जाए। रोड बहुत ही छोटे हैं और थोड़ा सा संभाल के जाना होगा। यहाँ के कुत्ते भी बहुत मस्त है, फर बहुत ही ज्यादा रहते हैं उनमें, ऑब्वियसली ठंड से बचाने के लिए। ये कुदरत का करिश्मा भी बहुत कमाल है यार। हर एक चीज, हर एक जगह को समझ के लोगों को बनाया गया है, चीज़ों को बनाया गया है, पेड़ पौधों को बनाया गया है। सही है यार, क्या है ये भाई साहब, ये क्या है, इतना सुंदर कैसे यार, इतना सुंदर कैसे। पहाड़ों में रहने का मजा ही कुछ और है। अगर आप लोगों को पता है इस नदी का नाम क्या है, देन प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो। अच्छा, इस नदी का नाम क्या है? नदी का नाम क्या है? टिस्टा। टिस्टा रिवर। टिस्टा रिवर। आप कहाँ पे जा रहे हैं? हम तो जाने वाले गुरुदोंगमार। गुरुदोंगमार अभी तो नहीं जा रहा है, तुम तो रहे ना ऊपर, बहुत बर्फ हो गया है। हाँ, तो नदी का नाम तो पता चल चुका है, नदी का नाम है टिस्टा रिवर। एंड ऑफ रोडिंग सेशन स्टार्ट्स। सामने कोई और पेट्रोल पंप नहीं है क्या? ऊपर ऊपर है, मंगन में है। 8 किलोमीटर मंगन में है ना? फिर लाचेन जा सकेंगे आज? अगर हो सकते हैं तो लाचेन पहुंचेंगे। होपफुली लाचेन नहीं हो पाएगा आज, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 4:46 एंड एज यू ऑल कैन सी
5 भी नहीं बजे और अंधेरा होना चालू हो चुका है यहाँ पे। रॉकी ने अभी 600 रुपए का पेट्रोल डाला है, जो NS200 है, NS200 में 570, और दोनों ही बाइक एकदम फुल किए हम लोग। तो इसका मतलब आप समझ लो कि एक 200cc मोटरसाइकिल और ये 400cc का मोटरसाइकिल में माइलेज में डिफरेंस बहुत स्लाइट है। हम लोग कहीं भी रुक नहीं रहे, भूख तो बहुत लगा था पहले, लेकिन फिर जब से पहाड़ों में चला रहे भूख पूरा मिट चुका है। कल रात को मैंने लास्ट खाया था 8:30 बजे, फिर डिनर करने के बाद आई स्लेप्ट टिल 8:30 इन द मॉर्निंग। 10-12 घंटे का एक इजीली नींद कंप्लीट हुआ था मेरा। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया है और कुछ भी नहीं खाया। हिमालयन के असली मजे तो ऐसे रोड पे है यार। एक और पेट्रोल पंप, आई गेस ये यहाँ का लास्ट पेट्रोल पंप है, एक बार पूछ लेते हैं। ब्रदर, ये यहाँ का लास्ट पेट्रोल पंप है इज़न्ट इट? और उसके बाद और है नहीं? एक और रिफ्यूलिंग कराते हैं यार यहाँ से, क्योंकि दिस इज द लास्ट पेट्रोल पंप। कितना करके मोमो? चिकन मोमो है ना? वेज चिकन नहीं है यहाँ पे। सुबह से खाने का ये पहला चीज है जो पेट के अंदर जा रहा है। ट्रस्ट मी गाइस, जब मैं पहाड़ों में चला रहा था बिल्कुल भी भूख नहीं लगा। जैसे होटल में था मैं भूख लग रहा था, जैसे बाइक पे था बिल्कुल भी भूख नहीं लग रहा है। जैसे बाइक से उतरा अभी पेट में चूहे दौड़ रहे। उसी चूहे को मिटाने के लिए दिस समोसा इज गोइंग टू वर्क एंड दिस प्लेट ऑफ वेज मोमोज। चिकन होता तो और भी अच्छा होता, बट देन एज इन बंगाली वी से नाई मामा थे के खाना मोमो वाला। आप एक और प्लेट मोमो कर दो, एक और प्लेट मोमो कर दो। रुको रुको रुको, कैच। वो बाय बेटा, इट्स 6:45 इन द इवनिंग राइट नाउ एंड वी आर स्टिल इन मनांग। वी हैड अ काइंड ऑफ स्नैक्स, ब्रेकफास्ट, लंच ऑल टुगेदर। ये जो टेंट है, टेंट मैंने यहाँ पे बांध दिया है क्योंकि जेरिकेन भाई के बाइक पे बांधना पड़ा, रस्सी वस्सी से करना पड़ा। तो ये जेरिकेन यहाँ पे है, इसमें 9 लीटर का पेट्रोल है। हाँ हाँ, और इधर में भी 1 लीटर का है, वहाँ पे भी 1 लीटर है। सभी लोगों ने मना किया कि अभी लाचेन जाने के लिए, लाचेन 2-2.5 घंटा लगेगा पहुंचने में, चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन सब लोग मना कर रहे हैं। तो सोचा क्यों ना यार आज हटाते। यहाँ से 1-2 किलोमीटर का रास्ता होगा मेन मार्केट का, तो वहाँ पे जाने का प्लान है अभी। वी कैन ऑल्सो स्टे ओवर हियर। सर जी, यहाँ पे अच्छा होटल कहाँ पे मिलेगा? हाँ, स्ट्रीट हम लोग तो जाके आया हूँ। आप लोग का तो सही है, आप लोग यहाँ पे रहते हो, हर रोज एडवेंचर होता रहता है आपका। एडवेंचर ऐसा नहीं, सही में मैं भी खुद नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला हूँ, मैं त्रिपुरा से हूँ। एडवेंचर ऐसा होता है ना, जब मैं त्रिपुरा आऊंगा तब मेरा एडवेंचर होगा। नहीं यार, त्रिपुरा में आप जितना घूमा आपके एडवेंचर नहीं बोलते। हाँ हाँ हाँ, वही। वैसे एक चीज बताना था आप लोगों को, ये I mean, दिखाना था। I don't know, कैमरा में आ रहा होगा कि नहीं, but 10,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। थैंक यू सो मच गाइज,
really means a lot. अभी time हो रहा है 10:25 and just now we had our dinner. Don't judge this room. यहाँ पे room मिलना is not a big deal, but then बस ऐसे जैसे तैसे करके ये room ढूंढा हम लोगों ने. कल सुबह 4:30 को हम लोग का निकलने का plan है यहाँ से from Mangan to Lachen. और map में दिखा रहे 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा 10 मिनट दिखा रहे, तो 2 घंटा अगर होगा तो 4 बजे अगर निकलेंगे तो 6 बजे तक पहुंचेंगे. 4:30 को निकलेंगे तो 6:30 तक पहुंचेंगे, बट मैक्स टू मैक्स 7 बजे तक हम लोग लाचेन पहुंच जाएंगे. और लाचेन से गुरुदंगमार का जो डिस्टेंस है दैट इज अराउंड 3 आवर्स का डिस्टेंस. होपफुली अगर सब ठीक रहता है तो गुरुदंगमार कल करने का प्लान है. अगर नहीं होता है देन विल कीप दैट फॉर नेक्स्ट. But for now, guys, I hope you guys enjoyed episode 2 of my Sikkim ride. Ye tha ek chota sa distance from Gangtok to Mangan. थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बट देन आई विल गेट यूज्ड टू इट. 8 बजे यहाँ पे एक विसल आता है, तो विसल आते आते सब दुकान, जितने भी सब मार्केट, जितना भी दुकान है, जितना भी घर वगैरह है, सब कुछ, सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं और 8:30 के अंदर अंदर सब लोग सो जाते हैं. सो दैट्स इट गाइज, अगले व्लॉग में मिलते हैं. सी यू ऑल इन एपिसोड नंबर 3 व्हिच इज टुमारो एट अराउंड 3 to 3:30 इन द मॉर्निंग. आई विल बी लाइव विद माई कैमरा वंस अगेन, बट यू गाइज वोंट बी सीइंग मी लाइव बिकॉज आई विल बी अपलोडिंग दिस वीडियोस आफ्टर 14 to 15 days. सो For now, let's keep this vlog till here. I'll see you all in my next. Till then, ride hard, ride safe, and sayonara. Also, guys, thank you so much for 10,000 subscribers. Really means a lot. Really means a lot.